सो बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो पैरामीटर्स है या पीरियोडिक ट्रेंड्स है उसके उसके ऊपर आई विल बी डिस्कसिंग सम ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स इन दी एक्सेप्शंस इन द फॉर्म ऑफ एक्सेप्शंस। सो फर्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू वायोलेशंस ऑफ बाउ रूल। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में जो एक्सेप्शंस है दैट आई विल बी टेकिंग अप। सो फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेल नोन एक्सेप्शन इज फॉर क्रोमियम। सो दिस इज फ्रॉम द डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन द 3D सीरीज प्लेस्ड इन द फोर्थ पीरियड। सो क्रोमियम का थियोरेटिकल कॉन्फिगरेशन होता है आर्गन 3D 4 एंड 4s1, सॉरी 4s2 बराबर। लेकिन यहाँ पर वी हैव ऑब्जर्व दैट द 3D एंड 4s का एनर्जी डिफरेंस इज क्वाइट स्मॉल। सो देयर इज अ ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s इनटू 3D सच दैट 3D एक्वायर्स अ हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन and even the 4s acquires a half filled configuration, and based on that the chromium ka observed or the actual configuration is argon 3d5 4s1. Ab in the same group of chromium there is molybdenum and tungsten present. So molybdenum also has that exception of having the configuration that is krypton 4d5 and 5s1. बट टंगस्टन जो है उसमें ये एक्सेप्शन ऑब्जर्व नहीं है। व्हाई? बिकॉज हियर द 3d एंड 4s, 4d एंड 5s द एनर्जी डिफरेंस इज क्वाइट स्मॉल, द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इज पॉसिबल, लेकिन टंगस्टन में इट इज नॉट ऑब्जर्व। ठीक है, तो इस केस में वी हैव द कॉन्फिगरेशन एज जेनॉन। जेनॉन के बाद अपना सिक्स्थ पीरियड एनर्जी लेवल एंटर होगा, सो इट विल बी 6s 4f एंड 5d। सो 4f तो यहाँ पर कंप्लीटली फिल्ड रहेगा बिकॉज ये पोस्ट लेंथनाइड एलिमेंट है, एंड टंगस्टन के लिए द कॉन्फिगरेशन विल बी 6s2 एंड 5d4। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन है दैट इज नॉट ऑब्जर्व। सो क्रोमियम एंड मॉलिब्डेनम हैव द एक्सेप्शन इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप। अब कमिंग टू द ग्रुप ऑफ निकल, निकल का थियोरेटिकल कॉन्फिगरेशन इज आर्गन Pconi 28 is the atomic number and the configuration will be 3d8 and 4s2. Iska observed configuration bhi hai. But when it comes to palladium, then it is observed that both the s electrons migrates into the d orbital, and now the configuration of palladium is krypton 4d10 and 5s2. In fact, पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट में दिस इज द ओनली एलिमेंट हैविंग द एस जीरो कॉन्फिगरेशन। दिस इज द ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट पैलेडियम विच हैज द एस जीरो कॉन्फिगरेशन। ठीक है, देन मूविंग ऑन टू प्लेटिनम। प्लेटिनम के लिए इनर्ट गैस होगा ज़ेनॉन, देन वी हैव 6s 4f एंड 5d। वंस अगेन 4f का कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फिगरेशन पोस्ट लेंथनाइड एलिमेंट है, and theoretically it should be 6s2 and 5d8, but is case mein it is observed the electron transition was possible and the configuration is 6s1 and 5d9 for platinum, 6s1 and 5d9. Then copper group mein, copper which has atomic number 29, yahan par bhi chromium jaisa electronic configuration observed hai, jahan par s ka ek electron switch kar jata hai, and here we get 3d10 and 4s1 having a completely filled electronic configuration for 3d and half filled for s. Then silver and gold may be same exception observed hai, so here it will be krypton 4d10 5s1, and gold ke liye it will be xenon 6s1 4f14 and 5d10. Through this you can get the atomic number also of these elements. But what I've done is I've taken the elements from the same group together, that is chromium, molybdenum, tungsten, nickel, palladium, platinum, copper, silver and gold. This is from the group 11, and group 11 ko noble metals group bhi bolte hain, noble metals, and there are many exceptions related to this particular group, so you need to know all of them.
उसके बाद वी हैव थ्री ऑफ द एलिमेंट्स एंड दीज आर ऑल फ्रॉम द 4D सीरीज. 4D सीरीज मतलब प्लेस्ड इन द फिफ्थ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल. अब नायोबियम जो है दैट इज लेट्स लुक एट द पोजिशन सो दैट यू बेटर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स. सो आई टॉक्ड अबाउट क्रोमियम वाला ग्रुप दैट इज क्रोमियम मॉलिब्डेनम टंगस्टन. उसके बाद निकल वाला ग्रुप निकल पैलेडियम प्लेटिनम एंड नोबल मेटल्स ग्रुप कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड. अब यहाँ पर देर आर एक्सेप्शंस रिलेटेड टू द ऑफबाउ रूल फॉर नायोबियम रुटेशियम एंड रोडियम ऑल्सो. So as I said, these are the elements placed in the fifth period of the periodic table or the 4D series in the D block elements. So now, if you look at niobium, it is placed after vanadium. Or vanadium ka jo electronic configuration hai with atomic number 23, it's 3D3 and 4S2. 3D3, 4S2. Ab niobium mein bhi theoretically 4D3, 5S2 hona chahiye. बट यहां पर इलेक्ट्रॉन स्विच कर जाता है एंड नायोबियम का कॉन्फ़िगरेशन इज क्रिप्टॉन 4D4 एंड 5S1. दिस इज फॉर नायोबियम. तो वनेडियम के रेफरेंस से नायोबियम ध्यान रखना है. फिर आयन के नीचे रोटेशियम है, कोबाल्ट के नीचे रोडियम है. अब आयन का जो कॉन्फ़िगरेशन है विद एटॉमिक नंबर 26, इट्स 3D6 एंड 4S2. और कोबाल्ट का 3D7, 4S2. तो सिंस द रोटेशियम इज इन द सेम ग्रुप एज आयन, इसका होना चाहिए 4D6, 5S2, लेकिन इलेक्ट्रॉन स्विच कर जाता है, इसीलिए रोटेशियम का होगा क्रिप्टॉन. देन क्रिप्टॉन 4D7 एंड 5S1. 4D7 एंड 5S1. और रोटेशियम का होगा क्रिप्टॉन 4D8 एंड 5S1. फाइन. एंड देन वी हैव द वायलेशंस रिलेटेड टू द 4F सीरीज और द लेंथेनाइड्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथेनम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट एंड आफ्टर दैट द 14 एलिमेंट्स आर कॉल्ड लेंथेनाइड्स. तो अगर लेंथेनम की बात करें, इट हैज द एटॉमिक नंबर 57 एंड लेंथेनम का नियरेस्ट इनर्ट गैस होगा ज़ेनॉन और ज़ेनॉन के बाद होगा 6s, 4f एंड 5d. ठीक है. अब बेस्ड ऑन द 57 एटॉमिक नंबर ज़ेनॉन का 54 हो गया. एज पर ऑफबाउ 2 इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन 4f में जाएगा. बट यहाँ पर ये प्रोग्रेसिव फिलिंग एफ का स्टार्ट होना ही नहीं चाहिए बिकॉज इट्स नॉट अ एफ ब्लॉक एलिमेंट. दैट इज व्हाई द एक्चुअल और द ऑब्जर्व्ड कॉन्फ़िगरेशन इज 4F0 एंड 5D1. 4F0 एंड 5D1. रिमेंबर इट्स अ डी ब्लॉक एलिमेंट. गडोलिनियम इज द लेंथेनाइड एंड ये मिडल में आता है, इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन याद रखना सिंपल है. इट्स 6S2 विथ 4F7 हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन and 5D1. So this is the configuration for gadolinium. ठीक है. So lanthanum and gadolinium. और भी कुछ exceptions है lanthanides और actinides में, but they are not important and never asked. Mostly जो electronic configuration related exceptions है, they are related with the D block, which are normally asked in the NEET or the JEE examination. So you need to focus and bare minimum remember these exceptions related to the electronic configuration. Then atomic radius mein zyada koi exceptions nahi hai. Atomic radius mein you need to remember that aluminium and gallium mein, if I talk about group 13, to group 13 ke elements are remembered as Bal, Gangadhar, इंडियन एंड तिलक. सो थियोरेटिकली अगर बात करें तो अल्यूमिनियम गैलियम में अल्यूमिनियम शुड बी स्मॉलर एंड गैलियम शुड बी बिगर डाउन द ग्रुप, द साइज इंक्रीजेस. बट इट इज ऑब्जर्व दैट अल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन गैलियम. इट्स अ वेरी वेरी वेल नोन एक्सेप्शन रिलेटेड टू द एटॉमिक रेडियस.
एंड अगर ऑक्सीजन नाइट्रोजन की बात करें तो दे आर एलिमेंट्स विच आर प्लेस्ड इन द सेकेंड पीरियड लेफ्ट टू राइट. तो अगर हम लेफ्ट टू राइट की बात करें तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे एलिमेंट्स हैं. एंड लेफ्ट टू राइट एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस द साइड साइज शुड गो ऑन डिक्रीजिंग. मतलब नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में नाइट्रोजन शुड बी बिगर एलिमेंट, बट ऑब्जर्व क्या है, ऑक्सीजन इज स्लाइटली बिगर देन द नाइट्रोजन. सो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शंस व्हिच यू नीड टू रिमेम्बर फॉर द एटॉमिक रेडियस. तो सबसे पहले व्हेनेवर अ कंपैरिजन इज आस्क्ड यू नीड टू अंडरस्टैंड आर दे फ्रॉम द सेम पीरियड और सेम ग्रुप और कंप्लीटली फ्रॉम द डिफरेंट पीरियड और डिफरेंट ग्रुप. जनरली जो ट्रेंड्स है वो सिमिलर पीरियड और सिमिलर ग्रुप के आते हैं, लेकिन अलग अलग भी आ सकते हैं. बट इफ दे आर फ्रॉम द सेम ग्रुप यू हैव टू प्लेस देम एंड एनालाइज इट अकॉर्डिंगली. इट मेक्स द एनालिसिस मच सिंपलर. देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा एक्सेप्शंस नहीं है. इफ यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 13, ये भी वेल नोन होना चाहिए. Group 13 elements are boron, aluminium, gallium, indium and thallium. So as a regular trend down the group, electronegativity goes on decreasing, but in the group 13 it is found that it decreases from boron to aluminium, but after aluminium it goes on increasing up to thallium. In fact iske values bhi group 13 mein mention kiye hue hain. It's 2.0 for boron, 1.5 for aluminium, and then increasing towards thallium as 1.6, 1.7, 1.8. ये तो values के साथ exception आप याद रख सकते हो. Then group 14 के लिए we have elements that is carbon, silicon, germanium, tin and lead. जो typical groups के exceptions हैं that you should be able to remember. So in the group 15. Sorry, in the group 14, it is observed that carbon obviously is most electronegative, followed by silicon, germanium, lead. Ab silicon, germanium, lead ka electronegativity is almost found to be similar, and towards yeah down the group it should go on decreasing. But tin or lead mein it is found that it increases towards lead. So carbon sabse zyada hai, fir lead hai, uske baad silicon, germanium, tin approximately equal hai. तो अगर मैं यहाँ पर नंबरिंग करूँ तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होता है ऑब्वियसली 2.5, देन लेड का 1.9, एंड दीज एलिमेंट्स हैव द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ अराउंड अप्रोक्सीमेटली 1.8, 2.5 एंड 1.9. ठीक है, तो ये दो एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14. Then coming to electronegativity of group 11, that is the noble metals, copper, silver, gold family, versus the group 12, that is the last group of the transition elements. Last group of the transition elements, which are basically referred as non-transition elements due to their completely filled configuration, either in the neutral state or in any of the oxidized state. तो अगर हम कंपेयर करें थियोरेटिकली तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गोज ऑन इंक्रीजिंग. मतलब ग्रुप 12 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इट इज ऑब्जर्व्ड दैट जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी हैव द प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रांजिशन मेटल्स, एंड इसीलिए तो उनको नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं. एंड दैट इज द रीजन दे आर फाउंड टू बी मोर मेटेलिक एज कंपेयर्ड विद द प्रीवियस ग्रुप. ठीक है, इसीलिए कॉपर हैज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर देन जिंक, सिल्वर ग्रेटर देन कैडमियम, गोल्ड ग्रेटर देन मर्क्यूरी. अगेन ग्रुप वाइज याद रखो, थिंग्स विल बी इजी. एंड इसके साथ ग्रुप 13 को भी मैंने ले लिया है, दैट इज गैलियम, इंडियम एंड थैलियम. सो इट इज ऑब्जर्व दैट सिंस देयर इज एन एक्सेप्शन बिटवीन 11 एंड 12, 12 एंड 13 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है, लेकिन वो सिमिलैरिटी खाली थर्ड ग्रुप और सॉरी थर्ड पीरियड और फोर्थ पीरियड के लिए रहता है. बट यहाँ पर ये वाला ग्रुप जो है दैट इज द 5D सीरीज, उसमें गोल्ड एंड मर्क्यूरी का एक्सेप्शन तो था ही, बट थियोरेटिकली मर्क्यूरी एंड थैलियम में लेफ्ट टू राइट बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस मर्क्यूरी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होना चाहिए. बट इट इज ऑब्जर्व दैट इवन mercury has electronegativity greater than thallium.
this is a very, very important exception to be remembered. Gold, mercury and thallium mein, gold has the highest electronegativity followed by mercury and then the thallium. So this is the entire table related to the electronegativity. Yes. Here you can observe for the gold, mercury and thallium. These are the values and the comparison what I gave. But it copper and zinc mein dekho, zinc kam electronegative hai. Cadmium bhi kam electronegative hai as compared to its previous element from the group number 11. So this is what I have compared in the previous part. ठीक है और ग्रुप 13 का जो मैंने ऑर्डर दिया है विद द वैल्यूज दैट यू कैन ऑब्जर्व हियर एंड ग्रुप नंबर 14 सो मेनली ग्रुप 13 ग्रुप 14 ग्रुप नंबर 11 ग्रुप नंबर 12 दीज आर द फोर ग्रुप्स इंपॉर्टेंट फॉर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्सेप्शंस नेक्स्ट कमिंग टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी So ionization enthalpy में सबसे important exceptions है for the second, third and fourth period. So if I talk about second period of the periodic table, it starts with lithium, followed by beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen and fluorine. So here the exception is observed between beryllium and boron, nitrogen and oxygen. The reason simple सा है, beryllium has a filled, completely filled stable electronic configuration. So obviously the electron removal from beryllium will be difficult and hence requires more energy. Nitrogen has a half-filled stable electronic configuration. Hence the removal of electron is difficult as compared with the other elements. So aap yahan par ye order agar dekha jaye, then left to right, the IE will go on increasing. So lithium is lesser than beryllium, but beryllium is greater than boron. फिर नॉर्मल ट्रेंड जाता है वापस नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नाइट्रोजन ग्रेटर है एंड देन इट इंक्रीजेस टुवर्ड्स फ्लोरीन और अगर हम इनर्ट गैसेस की बात करें तो ऑब्वियसली इनर्ट गैसेस भी यहां पर ले लेंगे तो इट इज हाईएस्ट अलोंग द पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल द आई फॉर द इनर्ट गैसेस इज हाईएस्ट अलोंग अ पीरियड सो सेम वे में दिस इरेगुलर ट्रेंड इज ऑब्जर्व्ड इन थर्ड पीरियड एंड फोर्थ पीरियड ऑल्सो स्टार्टिंग विद सोडियम एंड पोटेशियम रेस्ट ऑर्डर आपको पता रहेगा बट द ट्रेंड बिकम्स रेगुलर व्हेन यू मूव डाउन द ग्रुप फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड में ये एक्सेप्शन नजर नहीं आता है फिफ्थ एंड सिक्स्थ पीरियड में दैट इज सीजियम सॉरी रुबेडियम एंड सीजियम वाले पीरियड में दिस एक्सेप्शन इज नॉट ऑब्जर्व इट फॉलोज अ रेगुलर ट्रेंड रेगुलर ट्रेंड और जो ट्रेंड इरेगुलर है दैट इज फाउंड इन द पीरियड नंबर 2, 3 एंड 4 और ग्रुप की अगर बात करें तो इन द ग्रुप नंबर 2 एंड इन द ग्रुप नंबर 15 व्हाट इट नेक्स्ट द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 1 इज लेस देन ऑफ ग्रुप 2 मतलब अगर हम लीडियम वर्सेस बेरिलियम की बात करें तो ऑब्वियसली लीडियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है लेफ्ट टू राइट आई बढ़ता है तो बेरिलियम का ज्यादा होगा बट दिस फैक्ट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूवल बिकॉज द मोमेंट वी रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लीडियम वी गेट अ कंप्लीटली फिल्ड एंड द इनर्ट गैस और द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन मतलब Li प्लस में यहाँ पर आपको हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है एंड हीलियम हैज अ वेरी स्मॉल साइज एंड बिकॉज ऑफ द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज एक्चुअली हाईएस्ट इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल लिथियम प्लस के लिए ठीक है इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड वाला ग्रुप वन के लिए इज ग्रेटर एज कंपेयर्ड विद द ग्रुप टू Then a very important exception for the ionization enthalpy for the boron family and the carbon family, group 13 and group 14.
ये जो पी ब्लॉक का 11th का सिलेबस है, ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सेप्शंस अमंग दीज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. तो ग्रुप 13 के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी में डाउन द ग्रुप इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, बट यहां पर बोरॉन का हाईएस्ट है, लेकिन सेकेंड हाईएस्ट यहां पर थैलियम का है. एक्सेप्शनली थैलियम हैज द सेकेंड हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी अमंग द बोरॉन फैमिली एलिमेंट्स. उसके बाद अल्यूमिनियम और गैलियम में तो पता ही है कि अल्यूमिनियम का साइज बड़ा है तो एनर्जी कम लगेगा टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन. तो नेक्स्ट आएगा गैलियम, फिर अल्यूमिनियम और लास्ट में आता है इंडियम. आई थिंक अब तक तो ये एक्सेप्शन सबको याद हो जाना चाहिए, नहीं याद है तो प्लीज रिमेम्बर, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस आ चुका है. बोरॉन फैमिली आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हाईएस्ट इज बोरॉन, सेकेंड हाईएस्ट इज थैलियम, लास्ट में इंडियम, और बीच में गैलियम अल्यूमिनियम. तो सिंपल कंपेरिजन है, कोई इश्यू नहीं. And अगर हम ग्रुप 14 की बात करते हैं तो द ट्रेंड इज रेगुलर, जस्ट द एक्सेप्शन इज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ग्रुप. मतलब वी हैव कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड. आयोनाइजेशन एंथैल्पी गोज ऑन डिक्रीजिंग अप टिल टिन, बट आफ्टर टिन इट इंक्रीजेस टुवर्ड्स लेड. इट इंक्रीजेस टुवर्ड्स लेड, मतलब सिमिलर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कार्बन में सबसे हाईएस्ट है और उसके बाद सेकेंड में लेड आता है, फिर आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन. इस तरह से ऑर्डर आएगा अगर आपको वैल्यूज वाइज अरेंज करना है तो. ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस फॉर आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप नंबर 13 एंड ग्रुप नंबर 14. उसके बाद ये भी एक वेल नोन एक्सेप्शन है, दैट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज. थर्ड ट्रांजिशन सीरीज यानी 5D सीरीज, यानी placed in the sixth period of the periodic table, lanthanide वाला period हो गया ये. तो third transition series का ionization enthalpy is found to be greater than the first and the second transition series, and the main reason of this is simply the lanthanide contraction. Lanthanide contraction. तो अब अगर हम comparison करें तो platinum, gold, mercury have their ionization enthalpies greater than palladium, nickel, copper, silver, zinc and cadmium. Third transition series ke jo elements hai, platinum, gold, mercury, unka ionization enthalpy greater hai palladium, nickel, copper, silver ya zinc aur cadmium se. Is that clear? And look at this table wherein you can check the values also. So group 13 mein boron ka highest hai with around 800 kilojoules per mole. Second highest thallium ka hai, phir gallium ka hai, phir aluminium, and the least is for indium. Uske baad carbon mein down the group decrease hote jata hai, but lead ki taraf increase ho gaya. Theek hai? उसके बाद इफ वी टॉक अबाउट दिस थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, दिस इज व्हाट आई हैव कंपेयर्ड. प्लैटिनम, गोल्ड एंड मर्क्यूरी हैव द आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ग्रेटर देन द प्रीवियस टू पीरियड का आयोनाइजेशन एंथैल्पी. सो बेसिकली ये तीन ग्रुप्स के कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी. Then comes electron affinity. Electron affinity सबसे first point है of the second period from boron to fluorine. मतलब boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine is less as compared to the electron affinity of the third period. So third period में अपने पास है aluminium, then silicon, phosphorus, sulfur and chlorine. तो ये दोनों तो हमें पता ही है, clearly पता है that electron affinity in the group number 16 is, if compared between oxygen and sulfur, it's found that sulfur is greater than oxygen, chlorine is greater than fluorine, and that exception is also observed for phosphorus greater than nitrogen, silicon greater than carbon, aluminium greater than boron. So yahan par ye generalized concept hai, matlab jo exception apne group 16 or 17 mein padha hai
उसी को बोरॉन टू फ्लोरीन के लिए जनरलाइज कर दिया है. देन देयर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स विद अ वेरी स्टेबल कॉन्फिगरेशन विच हैव द इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज पॉजिटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर बेरिलियम मैग्नेशियम द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, द नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स टूगेदर जिंक कैडमियम मर्क्यूरी, देन द स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन एलिमेंट नाइट्रोजन एंड ऑल द इनर्ट गैसेस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में बेरिलियम मैग्नेशियम, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के तीनों एलिमेंट्स जिंक कैडमियम मर्क्यूरी, ग्रुप 15 का हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन एलिमेंट नाइट्रोजन एंड सारे इनर्ट गैसेस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज आर पॉजिटिव. ऐसा भी पूछा जा सकता है विच ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम द ऑप्शंस हैव द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो और हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. थर्ड पॉइंट, इन ग्रुप नंबर 15 द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Sb एंटीमनी इज मोस्ट नेगेटिव. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एंटीमनी इज मोस्ट नेगेटिव. ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ. थियोरेटिकली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप बिकम्स लेस नेगेटिव. मतलब एंटीमनी और बिस्मथ का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ही कम नेगेटिव होना चाहिए. बट सिंस दीज एलिमेंट्स हैव अ स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन डाउन द ग्रुप इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिकम्स मोर एंड मोर नेगेटिव. यहाँ पर इनफैक्ट पॉजिटिव है, आगे की तरफ नेगेटिव है. उनमें भी सबसे ज्यादा नेगेटिव किसका है? एंटीमनी का. बिस्मथ का भी नहीं, एंटीमनी का. ठीक है, सो दैट्स अबाउट ग्रुप 15. एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 13 का कंपैरिजन किया है. मतलब यहाँ पर आई कैन टेक द एग्जाम्पल एज लिथियम, बेरिलियम एंड बोरॉन. अब ये एक्सेप्शन बहुत क्लियरली समझ सकते हो कि ग्रुप 2 में वी हैव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. सो अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है तो इलेक्ट्रॉन का ऐड करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा. इसीलिए अगर हम लेफ्ट टू राइट का थियोरेटिकल ट्रेंड देखें देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिकम्स मोर एंड मोर नेगेटिव एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इनफैक्ट द हैलोजन्स हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन अ पर्टिकुलर पीरियड. मतलब थियोरेटिकली लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन का ट्रेंड ऐसा होना चाहिए. लेकिन लिथियम एंड बेरिलियम में इट इज फाउंड दैट लिथियम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है बिकॉज लिथियम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इट कैन एक्चुअली बिकम अ स्टेबल एलिमेंट. मतलब Li- माइनस अगर आ जाएगा ना तो इट विल एक्वायर द बेरिलियम कॉन्फिगरेशन. इसलिए लिथियम का इलेक्ट्रॉन एड करने का टेंडेंसी ज्यादा है बेरिलियम के कंपैरिजन में. ठीक है, तो दिस फैक्ट इज ट्रू फॉर ऑल द एलिमेंट्स इन द ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 13. मतलब लिथियम के नीचे हमारे पास है सोडियम, यहाँ पर मैग्नीशियम और यहाँ पर अल्यूमिनियम. सोडियम हैज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रेटर देन मैग्नीशियम एंड अल्यूमिनियम मैग्नीशियम में अल्यूमिनियम का ज्यादा. ठीक है, और ये पूरा ट्रेंड नीचे की तरफ भी कंटिन्यू होता है. उसके बाद द सिमिलर ट्रेंड इज ऑब्जर्व्ड फॉर ग्रुप 14 एंड ग्रुप 15. वंस अगेन द कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम. ग्रुप 15 का कॉन्फिगरेशन हाफ फील्ड है. हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम होगी, इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी बहुत कम होगी. मतलब ग्रुप 14 का इफ आई कंपेयर कार्बन देन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड कार्बन का ग्रेटर होगा नाइट्रोजन से एंड ऑब्वियसली ऑक्सीजन का ग्रेटर होगा नाइट्रोजन से. तीनों में नाइट्रोजन का एफिनिटी सबसे कम होगा. इनफैक्ट नाइट्रोजन का इट इज फाउंड टू बी पॉजिटिव वैल्यू. ठीक है, द सेम थिंग विल बी ट्रू फॉर कार्बन के नीचे सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर. तो सिलिकॉन ग्रेटर देन फॉस्फरस, फॉस्फरस लेस देन सल्फर. ठीक है, अब ये ट्रेंड यहाँ पर अगर कंटिन्यू करते जाए तो सिलिकॉन के बाद आएगा जर्मेनियम, टिन और लेड, फॉस्फरस के बाद आएगा आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर के बाद सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम. ठीक है, सो द ट्रेंड इज कॉमन थ्रू आउट बट खाली लास्ट में एक वापस एक्सेप्शन आ जाता है. तो एक्सेप्शन के अंदर एक्सेप्शन आ रहा है यहाँ पर.
एक्सेप्शन के अंदर एक्सेप्शन, लेड, बिस्मथ और पोलोनियम में इट इज ऑब्जर्व दैट लेड ऑन बिस्मथ में बिस्मथ का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज मोर, और पोलोनियम की तरफ तो इंक्रीज होता ही है. मतलब यहां पर जो एक एक्सेप्शन था उसके अंदर वापस लेड और बिस्मथ में एक्सेप्शन आ गया. तो एक्सेप्शन के अंदर भी एक्सेप्शन. ठीक है, तो वंस यू पिक अप अ प्रॉपर्टी उसका एक जनरल ट्रेंड आपके दिमाग में होना चाहिए, और उसके रिलेटेड जितने भी एक्सेप्शंस हैं यू शुड बी एबल टू रिमेम्बर इट बैंग ऑन. मतलब लुकिंग एट द कंपैरिजन यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि हाँ भाई ये एक्सेप्शन है एंड दिस इज द ट्रेंड रिलेटेड टू सो एंड सो पीरियोडिक प्रॉपर्टी. तो अगर आपने ये सारे एक्सेप्शंस पढ़े हैं, पहले समझे हैं, तो फिर इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड रिमेम्बर दीज एक्सेप्शंस. And this is the table from where we can compare the values also. आप देखोगे तो lead और bismuth में bismuth का electron affinity is more negative. That's what we have compared. Is that clear? Yes, sir. और अब यहां पर ग्रुप 16 और ग्रुप 17 का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द एंटायर ट्रेंड. ठीक है, तो ग्रुप 17 के साथ शुरू करते हैं. सो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर? क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन शुड बी वेल नोन. क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन. मतलब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज फाउंड टू बी ग्रेटर देन द फ्लोरीन. दो रीजन से, फ्लोरीन का स्मॉल साइज एंड द इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस मेक इट डिफिकल्ट फॉर द इलेक्ट्रॉन एडिशन टू बी पॉसिबल. सो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ फ्लोरीन टू बिकम एफ माइनस. एंड ग्रुप 16 में यहां पर एक्सेप्शन के अंदर एक्सेप्शन है. The trend is sulfur ke baad, which is the next element? Selenium, tellurium, aur sabse last mein aata hai oxygen. Theoretically, agar hum group 17 ke hisab se dekhe, to sulfur ke baad oxygen aana chahiye. But yahan par oxygen has the least electron affinity in the group number 16. Very important exception related with group 16. Sulfur, selenium, tellurium and oxygen. In dono ke upar bahut sare regular questions aa chuke hain. Ye do group bahut zyada important. And have a look at the values. If you observe group 16, oxygen ka 141 negative hai, sulfur ka 200.4, then selenium, then tellurium. अब देखोगे तो सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम के बाद आता है ऑक्सीजन. पोलोनियम को हम जनरली कंपेयर नहीं करते बिकॉज ऑफ इट्स रेडियोएक्टिव नेचर. और ऑब्वियसली ग्रुप 17 का तो वेल नोन होना चाहिए, इट्स क्लोरीन, देन फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. इनफैक्ट क्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल. उसके अलावा जो पॉइंट्स मैंने बताए थे कि इनर्ट गैसेस का, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, बेरिलियम का, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज आर फाउंड टू बी पॉजिटिव, मीनिंग आइदर जीरो और ग्रेटर देन जीरो. एक और एलिमेंट है उसमें हैफनियम, बट इसका नॉर्मली आता नहीं है तो ये मैंने कंसिडर नहीं किया है. जो भी इंपॉर्टेंट वंस है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर्ट गैसेस एंड नाइट्रोजन, दे हैव देयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. So this is the list of all the exceptions related to the electron affinity. Of group 17 ke related ek aur exception hai, that is of the bond dissociation energy. Saath mein hi bata deta hu, for a diatomic molecule X2. So is case mein the highest bond dissociation enthalpy was for chlorine, followed by bromine, then comes fluorine and iodine. Look at the position of fluorine over here. So F or F jab bond banata hai, to yahan par electron repulsions itne zyada ho jate hain
that this FF ka bond becomes weaker and less amount of energy is required for its breakdown. That's why the BDE for the fluorine is third with respect to the order of halogens. Chlorine, bromine, then fluorine, fir iodine. A very important exception for the BDE. Group 17 mein ye do exceptions bahut zyada important. Then coming to some parameters about the covalent bond, bond angle and bond length. The PCl3 and PF5, these are the phosphorus pentahalides, and well known hona chahiye that the phosphorus in this case undergoes sp3 dehybridization and it has a trigonal bipyramid geometry. The interesting part over here is in the trigonal bipyramid geometry, the three of the halogen atoms are placed in the same plane, having a bond angle of 120 degree, and the other two halogens are placed above and below the plane, bearing an angle of 90 degree. So, ye apna phosphorus hai, three in the same plane and two above and below. तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट भी था दैट द बॉन्ड्स विच आर लाइंग इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड बॉन्ड्स लाइंग इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स एंड द बॉन्ड्स विच आर अबव एंड बिलो द प्लेन आर कॉल्ड एक्सियल बॉन्ड्स एंड बेस्ड ऑन द बॉन्ड एंगल इटसेल्फ द एक्सियल बॉन्ड्स वर फाउंड टू बी लॉन्गर एंड वीकर. Equatorial bonds are shorter and stronger, axial bonds are longer and weaker. इसलिए जो भी हमारे PCl5 के reactions हैं, उसमें ये तीन chlorine जो है वो detach नहीं होते हैं and we have a reaction in which these two bonds are broken down. तो ये reactivity में भी काफी conceptually use किया हमने. So that's about PCl5 and PF5. Now one important point to be understood over here. If they ask to compare the axial bonds, obviously, क्योंकि मैंने बोला है axial bonds are longer and weaker, you can observe with the values that the axial bond have a length of 158 picometer, and here these equatorial bonds are shorter with a bond length of just 153 picometer. The bond angles की बात करें तो 120 degree in the plane above and below 90 degree. अब कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स. अगेन दीज आर फ्रॉम द 11th एस ब्लॉक. सो बेरिलियम क्लोराइड BeCl2. तो सबसे पहला फैक्ट है कि बेरिलियम क्लोराइड एग्जिस्ट एज पॉलीमर और अ डाइमर. इट एग्जिस्ट एज अ पॉलीमर इन द कंडेंस्ड सॉलिड फेज एंड इट एग्जिस्ट एज अ डाइमर, नॉट अ मोनोमर. इट एग्जिस्ट एज अ डाइमर in the vapor state. आप देख सकते हो structure में here the beryllium chloride is existing as a polymer. अब इसके through क्या-क्या questions आ सकते हैं? तो the first point here is beryllium का hybridization. VSEPR theory लगाओगे तो beryllium यहाँ पर चार bonds बना रहा है. तो it's sp3 and sp3 के साथ ये tetrahedral है, मतलब it has a non-planar structure. BeCl2 in the polymeric form has a non-planar structure. But in the vapor phase, when it is existing as a dimer, it is forming three bonds. Or three bonds ke hisab se ye sp2 hybridized hai, and now it has a planar structure. Now it has a planar structure. Dusri baat, yahan par when the chlorine is bonded to the beryllium, it is forming a normal coordinate bond. Normal coordinate bond. और जो normal coordinate bonds होते हैं, they are two center two electron, two center two electron bonds. ठीक है? Overall अगर BeCl BE का bond हम लेते हैं, तो तीन nuclei involved हैं यहाँ पर. One is beryllium nucleus, then chlorine nucleus, and then again a beryllium nucleus. And the total electrons which are being shared over here are 1, 2, 3 and 4. इसलिए कहीं बार अगर मैं इसको 3 center 4 electron bond लिखूं, तो इनको हम normal bonds बोल सकते हैं. Normal bonds.
two center, two electron, या three center, four electron are the normal bonds. Generally यहाँ पर ये coordinate covalent bond को refer कर रहे हैं. ठीक है, तो BCl2 is solid in the BCl2 is a polymer in the solid phase and dimer in the vapor phase. It forms a chloro-bridged polymer or a dimer where chlorine is between the two beryllium atoms and the bonds which are present between BCl and BE is three center four electron. Polymeric form में beryllium sp3 hybridized होने की वजह से non-planar है और vapor phase में BCl2 sp2 hybridized है and that's why it is planar. बट नाउ इसी क्लोरीन को उड़ाकर अगर हाइड्रोजन डाल दे तो ये बन जाता है आपका बेरिलियम हाइड्राइड. बेरिलियम हाइड्राइड. अब स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो इंस्टेड ऑफ द क्लोरो ब्रिज्ड पॉलीमर और द डाइमर इट इज नाउ अ हाइड्रोजन ब्रिज्ड पॉलीमर और अ डाइमर. तो आप यहाँ पर देख सकते हो हाइड्रोजन इज इन बिटवीन द बेरिलियम एटम्स, तो ये हाइड्राइड ब्रिज बना रहा है यहाँ पर. इट्स अ हाइड्राइड ब्रिज. Once again, जो इन्फॉर्मेशन पहले दिया था वो सेम है. इन द केस ऑफ डाइमर इट इज sp2 planar, इन द केस ऑफ पॉलीमर बेरिलियम इज sp3 एंड दैट्स व्हाई नॉन प्लेनर. ठीक है, ये पॉइंट सेम है. अब डिफरेंस कहां पर आता है, व्हेन हाइड्रोजन इज इन्वॉल्व इट इज नॉट हैविंग एनी टेंडेंसी टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. इसलिए अब यहां पर द टोटल इलेक्ट्रॉन्स व्हिच विल बी शेयर्ड बिटवीन द थ्री एलिमेंट विल बी जस्ट टू. तो इस टाइप का ब्रिज जब बनता है इट्स कॉल्ड थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एंड दे आर जनरली रेफर्ड एज बनाना बॉन्ड्स, जो हम डाइबोरेन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो वो बेरिलियम के हाइड्राइड में भी एप्लीकेबल है, अल्यूमिनियम के हाइड्राइड में भी एप्लीकेबल है. सेम कॉन्सेप्ट विल बी एप्लीकेबल फॉर AlH3 आल्सो. तो जब भी हाइड्राइड ब्रिज बनेगा it will be a banana bond, it will be a three center two electron bond. Very important. ये भी सारे three center two electron bonds हैं. So if you remember, we have talked about B2H6 diborane compound, जिसमें the two boron atoms have four hydrogen atoms in the same plane, which are called as the terminal bonds. Terminal bonds. Terminal bonds. And the hydrogen forms a bridge between the two boron atoms above the plane and below the plane. So यहाँ पर ये एक ही bond बनता है जहाँ पे दो electron share करता है. And due to the sp3 hybridized of this boron, one of the empty orbital overlaps with the orbital of the hydrogen and boron. तो यहाँ पर एक weaker attraction develop हो जाता है. Same way में यहाँ पर ये normal bond by sharing of two electron और यहां पर एक वीकर अट्रैक्शन डेवलप हो गया. ठीक है, एंड दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड ब्रिज बॉन्ड्स. एंड फ्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन व्हिच इज वंस अगेन इंपॉर्टेंट ओवर हियर इज द बोरॉन ओवर हियर अंडरगोस sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड द ब्रिज व्हिच इज फॉर्मड बिटवीन द टू बोरॉन एटम इज ऑफ थ्री सेंटर एंड टू इलेक्ट्रॉन. थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन. ये सेम चीज बेरिलियम के अलावा मैग्नीशियम के हाइड्राइड के लिए भी ऑब्जर्व्ड है MgH2. बट इंपॉर्टेंट वंस आपके लिए बेरिलियम का हाइड्राइड, अल्यूमिनियम का हाइड्राइड और बोरॉन का हाइड्राइड जिसको डाई बोरेन बोलते हैं. डाई बोरेन कॉन्सेप्ट ऑफ बनाना बॉन्ड्स वी इंट्रोड्यूस्ड ओवर हियर. Then next is a very important structure. AlCl3 exists as just a dimer. AlCl3 exists as a dimer. So simple structure है. Aluminium तीन bonds chlorine के साथ बनाएगा in one molecule and aluminium तीन bonds chlorine के साथ बनाएगा in the another molecule. अब chlorine और aluminium में ये जो bond बन रहा है this is the coordinate bond. This is the coordinate bond. और क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है दिस विल बी अ नॉर्मल बॉन्ड दैट इज ऑफ द टाइप थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन. एल्युमिनियम क्लोरीन एल्युमिनियम तीन सेंटर्स है और टोटल इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहे हैं वो है एक दो तीन और चार. तो यहां पर ये थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स बनाता है.
It's once again a chloro bridge dimer, but the type of the bond formed is 3-center, 4-electron. So in fact, when chlorine is a bridge, it will always be a normal bond because of the presence of the lone pair and tendency to form a coordinate bond. Mug up bhi nahi karna hai. Agar hydride bridge ban raha hai, to 3C, 2E wala bonds banega. Aur agar chlorine bridge ban raha hai, to 3C, 4E wale bonds banenge. As simple as that. Then, even in case of I2Cl3, which is ICl3 ka dimer, ICl3 ka dimer with an oxidation state of +3. तो यहां पर भी आप इसको Al2Cl6 के जैसा विजुलाइज कर सकते हो. तो यहां पर ये अल्यूमिनियम है और 3 क्लोरीन, ये अल्यूमिनियम और उसके 3 क्लोरीन, और सिमिलर स्ट्रक्चर Al2Cl6 का भी देखा. लेकिन यहां पर फर्क क्या है, आयोडीन में आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ दीज बॉन्ड्स देयर आर 2 लोन पेयर्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम. ऑब्वियसली ना, टोटल यहां पर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें से 4 शेयर हो गए, तो 4 अनशेयर्ड विल एग्जिस्ट एज 2 लोन पेयर्स. यानी अब इस सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो VSEPR थियोरी लगाओ, यू विल ऑब्जर्व देयर आर 4 BPEs एंड 2 LPEs व्हिच गिव्स यू 6 orbitals का रिक्वायरमेंट, एंड हेंस द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आयोडीन इन I2Cl6 इज sp3d2. sp3d2. And interesting, all the 4 chlorine atoms would be in the same plane because this gives you a square planar geometry with the 2 lone pairs above and below the plane. Khatam. sp3d2 square planar, the chlorine atoms will be in the plane and the lone pairs will be above and below the plane. So these are the type of questions which you can get from the structure. Next, some of the exceptions from the covalent bond parameters, and these should be remembered. सबसे पहला है bond angle for the nitrogen trihalide and the hydride of nitrogen, which is ammonia. तो NF3 versus NH3 में NH3 is found to have a bigger bond angle than NF3. In fact, NH3 का तो bond angle पता होना चाहिए सबको. It's about 107 degree. ठीक है. But if the same comparison is done for phosphorus ka trifluoride and phosphorus ka hydride, which is phosphine, PF3 has a bond angle greater than PH3. Now, this is in accordance with a very important concept called Drago's rule. Drago's rule ka ek simple conclusion ye tha ki for the hydrides of group number 15 and group number 16, nitrogen family and oxygen family, the elements or the hydride of the element placed in 3rd period and above do not undergo any hybridization. Do not undergo any hybridization. Matlab, ammonia mein sp3 hybridization aur lone pair hone ki wajah se bond angle 107 hota hai, lekin phosphine, arsine, stibine and bismuth ka hydride, these all have the bond angle approximately equal to 90 degree. They have the pure overlap of the orbitals, and based on that, the angles are approximately 90 degree. Same cheese occur hota hai water ke case mein, jiska bond angle pata hai 104.5 degree hota hai, lekin uske baad the angle is approximately 90 degree. Selenium, tellurium and polonium. पोलोनियम ना भी कंसिडर करो. ठीक है. सो दिस इज अ फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन. इसलिए आप देखोगे तो अमोनिया में 107 डिग्री है, इसलिए उसका एंगल NF3 से बड़ा है. अब फ्लोरीन की वजह से ऑब्वियसली यहां पर होगा क्या, व्हेन आई कंपेयर नाइट्रोजन बॉन्डेड विद द 3 फ्लोरीन एटम्स, ऑल द 3 फ्लोरीन एटम्स आर ऑब्वियसली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. It will attract the electron density towards itself. So electron density around the central atom will decrease, due to which the electron-electron repulsion decreases and the angle therefore decreases. So ye to conceptual hai ki NF3 ka bond angle
NH3 से कम होगा, लेकिन वही चीज जब फॉस्फोरस ट्राइफ्लोराइड के लिए कंपेयर करते हैं फॉस्फीन के साथ, इट इज ऑब्जर्व दैट PF3 ऑफ कोर्स विल हैव अ बॉन्ड एंगल ग्रेटर देन फॉस्फीन, बिकॉज अब जो एंगल है इसका अराउंड 90 डिग्रीज हो जाता है. ठीक है. दूसरा एक और चीज, नाइट्रोजन का ट्राइफ्लोराइड वर्सेस नाइट्रोजन का हाइड्राइड दैट इज अमोनिया, विच हैज अ हायर डाइपोल मोमेंट. अमोनिया. अमोनिया बिकॉज नाइट्रोजन हाइड्रोजन में नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और लोन पेयर का प्रथम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एंड द लोन पेयर इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द एटम. तो इफ यू लुक एट द डाइपोल्स दे आर ऑल इन द सेम डायरेक्शन एंड दैट इज व्हाई द म्यू ऑफ अमोनिया विल बी ग्रेटर. और इस केस में यहां पर देखोगे तो नेट डाइपोल मोमेंट NF का डाउनवर्ड है और लोन पेयर का अपवर्ड है, तो देयर विल बी अ स्लाइट कैंसिलेशन. दैट इज व्हाई म्यू फॉर द NF3 विल बी लेसर देन म्यू ऑफ NH3. Very important dipole moment exception. Okay. Next is a very important exception related to the bond angle. So, ये तो directly याद हो जाना चाहिए. The oxide of chlorine. Then hydrogen and then fluorine. Cl2O has a bond angle greater than water, and then there is F2O. Yeah, better written as OF2. क्योंकि ये oxide नहीं होगा, ये उसका fluoride गिना जाएगा. ठीक है. इसके आगे एक और chlorine का dioxide अगर compare करें तो इसका तो bond angle बहुत ही ज्यादा था. तो actual order जो आप हमेशा याद रखोगे ना, it's ClO2 greater than Cl2O. देन वॉटर, और सबसे कम एंगल होता है OF2 का या F2O का. इट शुड बी रिमेम्बर्ड. ये मैंने वैल्यूज के साथ भी जस्टिफाई किया हुआ है, बट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर. देन टिन का डाइक्लोराइड वर्सेस टिन का टेट्राक्लोराइड. मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर अगर देखा जाए तो SnCl2 हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर देन SnCl4. Now, this is related to the covalent character and the ionic character concept. So, yahan par aapka bonded element to same hai, but the oxidation state here is different. Based on that, I can apply the Fajans rule. Aur Fajans rule bolta hai, for a molecule which has more of ionic character, it should have a large cation, small anion, and a low positive charge. La low rule. Large cation, small anion, and a low positive charge. Okay. So based on this, SnCl2 ka covalent character zyada rahega. Yes or no? Sorry. Covalent character kam rahega, ionic character zyada rahega, and that is why the melting point order would be SnCl2 greater than SnCl4. Then as per Mott theory, C2 is the only diatomic molecule having no sigma bonds, but iska jo bond order 2 aata hai, usme both the bonds are pi bonds. The diatomic molecule as per Mott having no sigma bonds but only pi bonds is C2. And bond order exception mein CO versus CO plus. Now, अगर मैं इलेक्ट्रॉन सम वर्सेस द बॉन्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट आपको बताऊं तो मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक दिया है. इलेक्ट्रॉन सम अगर 14 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर वुड बी 3. अगर उससे कम या ज्यादा होगा तो 0.5 से घटा दो तो ये 2.5 ईच रहेगा. तो अगर इलेक्ट्रॉन सम यहाँ देखे तो कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8, दैट इज 14, एंड CO प्लस में एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा 13. Theoretically, इसका bond order should be equal to 3 and इसका bond order 2.5 होना चाहिए.
But here, exceptionally, the bond order is found to be 3.5. Very important. Matlab, when an electron is lost from the carbon monoxide to form CO plus, instead of bond hang order decreasing, it is found to increase from 3 to 3.5. So, yahan par ye theoretical trend ko follow nahi kar raha hai, hence it's an exception. Then Lewis acid strength. If I talk about Lewis acid strength for the boron ka trihalides, सबसे पहले BF3 का एक चीज हमेशा याद रखना. इफ आई आस्क यू द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ BF बॉन्ड इन BF3, आंसर इज नॉट वन, इट्स 1.33, बिकॉज फ्लोरीन एंड बोरॉन अंडरगोज द पी पाई बैक बॉन्डिंग, जिसकी वजह से यहां पर एक पाई बॉन्ड तीन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. और अब एक BF बॉन्ड का अगर बॉन्ड ऑर्डर देखें तो इट इज 1+1/3, दैट इज 1.33 का बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है. तो यहां पर F का लेटरल ओवरलैप या बैक बॉन्डिंग जो है बोरॉन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बिकॉज दे आर ऑफ द सिमिलर साइजेस एज दे आर फ्रॉम द सेम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल. अब फ्लोरीन की जगह जैसे ही हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन प्लेस करते हैं, ऑब्वियसली सेंट्रल एटम तो फिक्स है, तो उसके साथ जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का बैक बॉन्डिंग होता है वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है. एंड दैट इज व्हाई द लुईस एसिड स्ट्रेंथ फॉर द बोरॉन ट्राईआयोडाइड इज फाउंड टू बी हाईएस्ट, एंड फॉर द BF3 इट इज फाउंड टू बी लोएस्ट. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन फॉर द लुईस एसिड, क्योंकि थियोरेटिकली अगर बात करेंगे तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, बोरॉन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी BF3 में ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है. उसके बाद कमिंग टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर फॉर द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप नंबर 15, 16, 17, दिस कम्स फ्रॉम द पी ब्लॉक 12 सिलेबस एंड शुड बी अ वेल नोन एक्सेप्शन. तो अगर हम ऑक्सीजन फैमिली की बात करें तो ओनली द वॉटर फॉर्म्स द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, रेस्ट फॉर्म द वेंडर वॉल्स अट्रैक्शन, एंड वेंडर वॉल्स अट्रैक्शन आर सरफेस एरिया डिपेंडेंट, सो इट डिपेंड्स ऑन द मोलर मास. इसीलिए वॉटर के बाद टेलुरियम आता है, सेलेनाइड आता है, और सबसे कम H2S का बॉइलिंग पॉइंट होता है. एंड दिस इज द रीजन वाई H2S इज फाउंड टू बी गैशियस एट रूम टेम्परेचर. तो ये अपना ग्रुप 16 का. सेम एक्सेप्शन आपको ग्रुप 17 में भी देखने मिलता है. HFH बॉन्ड्स बनाता है, बाकी तीनों वेंडर वॉल्स अट्रैक्शन बनाते हैं, एंड दे आर मोलर मास और सरफेस एरिया डिपेंडेंट, इसलिए HF के बाद HI, HBr, HCl. बट ऐसा ट्रेंड आपको ग्रुप 15 में देखने नहीं मिलेगा. अगेन एक्सेप्शन के अंदर एक्सेप्शन. यहां पर अमोनिया का H बॉन्ड इज नॉट दैट स्ट्रॉन्गर as compared with water या HF का H bonds. तो यहाँ पर bismuth hydride का या antimony hydride का जो van der Waals attraction है because of a large molar mass is so very high that it dominates with respect to ammonia also. इसलिए सबसे highest boiling point bismuth के hydride का है, followed by antimony hydride, then antimony hydride या stibine बोलो, देन अमोनिया, आर्सिन, और सबसे कम होगा फॉस्फीन का. तो यहाँ पर अमोनिया थर्ड पे आता है, दैट इज इम्पोर्टेंट. देन CF3 का जो फ्री रेडिकल है वो पिरामिडल होता है, बट अदर ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल्स लाइक मिथाइल रेडिकल दे विल हैव द sp2 ट्राइगोनल प्लेनार ज्योमेट्री. यहाँ पर F के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से द स्ट्रक्चर इज arranged in the three dimension in the form of a pyramid and not as a planar structure. ठीक है, तो fluorine का जो electron repulsions है वो avoid करने के लिए pyramidal में ज़्यादा stable है as compared to the trigonal planar geometry. उसके बाद chlorine का trioxide, chlorine का dioxide and NO2 free radical are of bent shape and pyramidal.
यहाँ पर सबके सेंट्रल एटम के ऊपर देयर इज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड दीज ऑल स्पीशीज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फ्री रेडिकल आर ऑल्सो फाउंड टू बी पैरामैग्नेटिक. इनफैक्ट एनओ टू के अलावा एनओ भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन या फ्री रेडिकल कंटेनिंग स्पीशीज है नाइट्रिक ऑक्साइड विच इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक. Then S block का ये exception, sodium का bicarbonate is a polymer, why? Whereas potassium का bicarbonate exists as a dimer, very important. Sodium bicarbonate या फिर baking soda is a polymeric compound, but उसी family का potassium का bicarbonate exists as a dimer. अब ऐसा क्यों होता है? तो अगर मैं इसको break down करूँ, ionic compound है, तो K plus और HCO3 negative. Now this is the bicarbonate ion which will have C with three oxygens where one of the oxygen is bonded to OH. So yahan single bond aur yahan par double aur yahan pe double. Double and single with a negative charge. So ye hai apna bicarbonate anion. Now ye bicarbonate anions ki agar baat kare to because of the presence of H bonded to oxygen this will have the hydrogen bonding between the bicarbonate ions. But because of the greater size of the K+, the polymeric chain is not continuous. The K+ accommodates in the structure such that it shortens the chain and now the K+ with HCO3- prefer to exist as a dimer rather than exist as a polymer. तो NaHCO3 पॉलीमेरिक कंपाउंड है क्योंकि Na+ बाइकार्बोनेट के एज बॉन्ड्स को डिस्टर्ब नहीं करता है बट K+ बड़े साइज होने की वजह से उस चेन को डिस्टर्ब करके डाइमेरिक फॉर्म में वापस लेकर आता है. देन ये ऑलरेडी ड्रैगोज रूल बताया हुआ है H2S, H2TE, H2SE और नाइट्रोजन फैमिली में फॉस्फीन आर्सिन स्टाइबीन में देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन इट्स अ प्योर ऑर्बिटल ओवरलैप. And this is related with the Drago's rule. Clear? Yes, sir. These were some of the exceptions which I have taken based on the same lines. You can like categorize your exceptions into different parameters. जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ये एक्सेप्शंस हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ये एक्सेप्शंस हैं. मतलब एक एक प्रॉपर्टी लो और उसके अंदर जितने एक्सेप्शंस हर एक चैप्टर में से आपको दिखते हैं जस्ट ट्राई टू कंबाइन देम एंड लाइक राइट इट ऑन सिंगल पेज की दिस पर्टिकुलर पैरामीटर दीज आर ऑल द एक्सेप्शंस. वैसे अगर याद रहा तो फिर इसके जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं यू विल बी फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट अबाउट सॉल्विंग देम, राइट? Yes, sir.